ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, और इसमें से एक कुछ ज्यादा ही प्यारा लग रहा है। देखो, नहीं इसकी एक पिक्चर क्लिक करते हैं। ये भी है, ये कुदरत के करिश्मा को इंसान ने और ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। अभी मैं छत से आ रही हूँ, इतने सारे कपड़े, ये एक्चुअली लॉन्ड्री बैग है, उसको लेके आ रही हूँ। माही गई है नीचे दादू के पास गाना गाने, गाना सुनने, और मुझे कुछ मिले है रोज पेटल्स। रोज की जो पंखुड़ी होती है ना, वो सारी सूख गई है, तो मैंने सोचा अब क्या करें उनका, तो मैंने बोला चलो उनको अच्छे से ये कर लेते हैं। बहुत मस्त है वो, लेकिन देखो मैं बहुत मुश्किल से कपड़े लेके आई हूँ, गिर रहा है गिर रहा है। ये देखो ये रहा, वाओ कलर देखो, कुछ ज़्यादा ही प्यारा नहीं लग रहा? थोड़ा सा फ्रेश भी है, मैं इसे रख दूंगी और अपने ग्रीन टी में मिला के पीऊंगी। गुड इवनिंग, और देखो मैं रेडी हो गई। ऐसा अजीब सा लग रहा है ना, मतलब घर के कपड़ों में ऐसे मेकअप, वो भी प्रोफेशनल वाले। तो आज है बुबाई का फाइनल रिसेप्शन, यानी ग्रैंड रिसेप्शन, तो हम लोग रेडी हो रहे हैं। नीचे माही है, तो आपको पता ही है सबसे पहले मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद मैं माही को रेडी करती हूँ। तो माही का खाना डिनर वगैरह भी मुझे अभी रेडी करना है, उसके बाद मैं पूरी तरीके से रेडी हो जाऊंगी, फिर आपको मिलती हूँ। पहले माही को पकड़ती हूँ। देखो रेडी हो गया, अभी भाग, तुम जा पाएगा अकेले? माहू दीदी, माहू दीदी, भाई 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 भाई, अच्छा ठीक है चलो हम लेके जा रहे हैं, आशो अमी नहीं आती, चलो चलो, अच्छा कोले, अच्छा कोले, अच्छा टाटा। এই যে তুমি একটু বসো, আমি আসছি, আমি আসছি, তুমি বসো একটু। বেবি 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 তাকা, বেবি বেবি বেবি। अब चलो मैं चलती हूँ रेडी होने फटाफट। माही को करने के बाद मुझे एक शांति मिलती है, ओह आई एम फ्री राइट नाउ। मैं रेडी हो गई हूँ और माही एज यूजुअल रो रही है, कुछ ना कुछ जिद पकड़ के बाहर ले चलो, इसके घर ले चलो, उसके घर ले चलो, कुछ ना कुछ बच्चों की हमेशा जिद रह जाती है। और आज मैंने झुमके डाले और ये बैंगल्स, और मैंने एक गाउन डाला है जो कि थोड़ा सा ना, ये ना बेसिकली ना एक साड़ी होती है, वो साड़ी का पूरा फॉर्मेट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें ना जो साइज़ मेरी है वो है ही नहीं, लार्ज साइज़ मैंने लिया था, और लार्ज साइज़ भी शायद मेरे ख्याल से 38 और 36 था, और मुझे 34 टाइप के में आता है जो एम साइज़ होती है। बट मैंने इसे फिर से ऑल्टरेशन कराया, मैंने कहा था ना गाउन ऑल्टरेशन के लिए देना है मेरे को, मुझे ये इतना पसंद आया है इसलिए। तो मैं अभी आपको इसका लुक दिखाती हूँ, दिखने में कैसा लग रहा है।
चलते हैं फिर से वही बैग लेके। जूतो माही है ना जूतो वो तो खुले এটা কি খেলার গ্রাউন্ড নাকি হ্যাঁ বাবা মাই তাকাও কি করলো রে মাহি মাই কি করলো তোকে এ বাবা চলো खिलाने में ही चला जाता है हमारा नीचे गए थे माही को खिलाने के लिए सेकंड फ्लोर है फर्स्ट मैंने ग्राउंड फ्लोर देख मैं एटा की खावर फ्लोर खावर दवा अच्छा नीचे तले आरो नीचे हम लोग गलत फ्लोर पे आ गए थे মজা পেয়ে গেছে আরে খেয়ে নি আমরা চলো আবি डिनर की बारी
ঠিক আছে আমি তুলে দিচ্ছি দা तो चलो आ गए हैं। और आते वक्त एक मस्त चीज हुई है, माही को आधे रास्ते में पॉटी लग गई, कहती पॉकी पॉकी। और आने के बाद ना ये देखो पूरा अंधेरा हो रखा है घर एकदम, मुझे खिड़कियां थोड़ी सी खोलनी पड़ेगी अदरवाइज सफोकेटेड हो जाएगा। और जब भी मैं बाहर मतलब शादी ब्याह से आती हूँ तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है स्प्राइट, बाकी सारी बकवास ऐसी कुछ है। सीरियसली और आते ही मैंने पंखा चला दिया है और अभी चलाने वाली हूँ एसी क्योंकि गर्मी बहुत तेज लग रही है। और ज्वेलरीज जो मैंने पहने थे, इयर रिंग्स, झुमका उतार दिया, अभी से उतारने वाली हूँ। बट ये भी काफी अच्छे लग रहे हैं, पता है दोनों मिक्स मतलब अलग अलग दुकान से लिए थी मैंने, शॉप से, और एक जैसे मिल ही नहीं रहे थे तो अलग अलग शॉप से मैंने कलेक्ट किए थे, बट अच्छे लग रहे हैं। नहीं एनीवेज आज का व्लॉग भी थोड़ा सा छोटा होगा तो इंजॉय ज़रूर कीजिएगा भरपूर तरीके से अच्छे से। और मैं चलिए इसे निकाल लेती हूँ, तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग इंजॉय कीजिए और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।